दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक काफी अच्छी बहाली निकाली गई है इस क्यूटिप के पोस्ट पे। यहाँ पर देखेंगे 132 पोस्ट पे इस बहाली को निकाला गया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 26 जुलाई 2023 से स्टार्ट कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 तक रखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्म करेक्शन करने की भी जो तिथि है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, और साथ ही साथ आपकी पेमेंट की जो लास्ट डेट है उसकी जानकारी दी गई है। ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर इस बहाली के बारे में पूरी जानकारी समझ सकते हैं। बात करते हैं इसमें आपकी जो बहाली होगी इसके लिए आपकी उम्र क्या है, तो उम्र आपकी 21 से 35 वर्ष होगी। और देखेंगे आपके कैटेगरी वाइज बहाली को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी बहाली है। साथ ही साथ आप नीचे आएंगे तो सर्कल वाइज भी बहाली देख सकते हैं कि किस सर्कल में कितने बहाली निकाली गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ जॉब लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और जो ओबीसी वाले कैंडिडेट होंगे उन सबको जो है 300 रुपये, और अदर जो भी कैंडिडेट होंगे सबको 300 रुपये देने होंगे। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 100 रुपये देने होंगे, और पेमेंट आपकी ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है। तो पूरी जानकारी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर समझ लीजिएगा। तो आइए जानते हैं इसके लिए आपको फॉर्म कैसे भरनी है। इनका जो लिंक है इस वेबसाइट का डायरेक्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा डालेंगे, फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे, मिडिल नेम है तो इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में कंफर्म करेंगे, लास्ट नेम इस बॉक्स में डालना है, और आपका जो फुल नेम होगा इस बॉक्स में देखने को मिलेगा। आपके पास जो भी नंबर होगा वो मोबाइल नंबर डालेंगे, नंबर को कंफर्म करेंगे, अल्टरनेट नंबर है तो यहाँ पर देंगे। साथ ही साथ आपका जो ईमेल आईडी है @ddate से पहले यहाँ पर फिल करेंगे, और यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी जो ईमेल है कौन सा है, gmail.com है या याहू है। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर अपनी पूरा ईमेल आईडी नीचे वाले बॉक्स में डालेंगे, कैप्चा कोड को फिल करना है और सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है। अब आपको फोटो अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन मिलता है, जिसको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले एक बार जरूर देखेंगे, जिसमें बताया गया कि फोटोग्राफ आपकी जो होगी रिसेंट की होनी चाहिए, और कलर फोटोग्राफ आपकी होगी जिसका जो साइज है आपको इस प्रकार रखना है। साथ ही साथ इसका जो पिक्सल है और इसका जो साइज है 20 से 50 KB में मांगा गया है, और सिग्नेचर के बारे में भी बताया गया है कि 10 से 20 KB में आपका सिग्नेचर होगी। साथ ही साथ आपका लेफ्ट हम इम्प्रेशन भी देनी होगी, जो आगे अपलोड करना होगा, जो कि 20 से 50 KB के बीच होगा। तो पूरी जानकारी यहां पर आपको बता दी गई है, जिसको देख लेंगे। यहां से आपको अपना फोटो अपलोड करना है, फोटो का प्रीव्यू मिलेगा, और यहां से इसको कंफर्म करेंगे। फिर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, इसको कन्फर्म करना है, ऑप्शन नेक्स्ट का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी बतानी है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है 40% या उससे भक्त वेस्ट करेंगे, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बाकी कुछ डिटेल आपको फिजिकल हैंडीकैप वाले के लिए है। उसके बाद आपको नीचे आना है, आपको रिलीजन बताना है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन से आते हैं तो वेस्ट करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ जानकारी एक सर्विस मैन के बारे में भी पूछी गई है। यहाँ पर आपसे बोली गई कि अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो वेस्ट करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। नेशनैलिटी आपका इंडियन रहेगा, साथ ही साथ आपकी जो भी राज्य होगी उस राज्य को यहाँ से चयन करेंगे। और यहाँ पर देखिए, आपका एग्जाम सेंटर के लिए आपको बोला गया है कि आपके राज्य में जो भी सेंटर बनाए गए होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ प्रेफरेंस आपको देना है जॉब लोकेशन के लिए, तो वो आप यहाँ पर जो भी सर्कल रखना चाहते हैं उसको यहाँ से चुनेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो भी राज्य होगी और जो भी आपकी ब्रांच होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, उसको चयन करना है। इस प्रकार आपको 3 प्रेफरेंस आपको चुनना है। उसके बाद नीचे आपको आना है, अगर आप चाहते हैं इंडिया में कहीं भी जॉब मिले तो उसे लेना, तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम जॉब लोकेशन जो दिए हैं उसी जगह पर करना, तो उस केस में आप नो भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसी कर दे, फिर पर्सनल डिटेल आपके सामने आता है, जिसमें आपको सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें डेट आपकी जो मंथ होगी और आपकी जो ईयर होगी आप यहाँ से चयन करेंगे।
फिर आपको नीचे आना है, आपकी जेंडर जो भी होगी उसको बताएंगे। यहाँ पर बताया गया है यदि आप जुड़वा भाई बहन है तो उसके स्मैश करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर जुड़वा भाई बहन है तो उसका जेंडर आपको बताना है, उसका नाम आपको बताना है। यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा मैरिड पे क्लिक करें। पिताजी का नाम डालें, माता जी का नाम डालें। कोई विवाहित महिला है तो अपने पति का नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस डालनी है जिसमें आपकी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, एड्रेस 1 में विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है और जो भी आपकी राज्य होगी उसको चुनेंगे, पिन कोड को यहाँ पर डालेंगे। किसी का कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है उसके इसमें यहाँ पर टिक करेंगे, दोनों फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग इसको फिल कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको बोला गया है, इसमें से कोई भी आप यहाँ पर चुन सकते हैं। फिर आप देखेंगे आपका जो भी एप्लीकेशन फी होगा वो यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बार आपको क्या करना है, डिटेल को वैलिडेट करना है, इसमें कोई डिटेल छूटा रहेगा तो आपको देखने को मिलेगा। सारा डिटेल फिल है तो आप यहाँ से करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी जो एड्रेस है जिसमें क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी गई, जैसे आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किस प्रकार है, जैसे इंजीनियरिंग है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, आपका जो जो भी है जिस प्रकार की भी होगी तो उसको आप यहाँ पर चुनेंगे। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के नेम डालेंगे, पासिंग जब भी आपने किया होगा उसका जो डेट होगा, साथ ही साथ जो मंथ होगा और जो भी ईयर होगा जिस साल आपने पास आउट किया है वो आप बताएंगे। और आपका जो श्रेणी है जिससे पासिंग का, वो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या आप सिर्फ पास है, उसकी जानकारी आप यहाँ से बताएंगे। अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके अलावा नीचे आएंगे, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उस स्थिति में आप यहाँ पर एस करेंगे और पूरी जानकारी आप देंगे कि आपने जो काम किया किस पोस्ट पे किया है, किस पोजीशन पे थे और कब से कब तक काम किया, वो जानकारी आपको बतानी है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लैंग्वेज जो आप जानते हैं उसके बारे में आपको बतानी है। जैसे अगर मान लीजिए आप हिंदी के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है हिंदी, और हिंदी को आप पढ़ना, साथ ही साथ लिखना और बोलना जानते हैं तो तीनों पर टिक करें। सिर्फ पढ़ना जानते हैं तो इस पर टिक करें, लिखना नहीं जानते तो इस पर अनटिक करें। इसी प्रकार जितने लैंग्वेज जानते हैं यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको वैलिडेट कर सब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आएगा जिसमें आपको पूरी जानकारी को मिलान करनी है। नीचे आना है, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी है और एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है, कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको डॉक्यूमेंट में कुछ जानकारी अपलोड करनी होगी जिसमें आपकी जो है लैब थंब इम्प्रेशन है जो कि हमने आपको बताया, जिसके लिए गाइडलाइन आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ हेड राइटिंग डिक्लेरेशन है जिसको भी आपको डालना होगा। तो इसमें क्या लिखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है, आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। जैसे आई लिखना है और आपका जो नाम होगा आप अपना नाम लिखेंगे और इसके बाद ये पूरा मैटर जो है एक सादे पेज पर आपको लिखना है, ये इतना ही आपको लिखना है, इसका ध्यान रखेंगे। और इसको क्या करना है, स्कैन कर लेना है, स्कैन करके इसी को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। साथ ही साथ आपके जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है जिसको आप यहाँ से अपलोड करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पेमेंट गेटवे आएगा, जो अमाउंट आपके कैटेगरी पे लगेगी वो देखने को मिलता है। इस कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का कई सारे ऑप्शन हैं, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI कोई भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कार्ड चुनेंगे तो कार्ड की डिटेल डालनी है, उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के बाद इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस थी इस फॉर्म को भरने का, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस हमने इस वीडियो में बताया। इससे जुड़ी पूरी जानकारी इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप पढ़ेंगे तो सारा डाउट कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो भर्ती निकाली गई है स्टूडेंट के लिए, तो इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में हमने ऑलमोस्ट पूरी जानकारी बताया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें आने वाली सारी अपडेट के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।